Hi guys, welcome to my channel. I am Jaya and today is our fourth episode of Exploring Bhilai. तो आज भी मैं बचपन की कुछ मीठी सी यादें लेकर आई हूँ. आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं द चॉकलेट स्टोरी कैफे. तो ये है ओनर. आपका नाम? विनय जैन. तो चॉकलेट स्टोरी जो आपका कैफ़े है वो किस थीम पर बेस्ड है और क्या स्पेशल है यहाँ पर? पूरा थीम आप थोड़ा सा बताएंगे. ये भिलाई स्टील प्लांट को दर्शाता है. जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इंटीरियर में हमने ट्रेन की पटरी वगैरह यूज़ की है, छड़ वगैरह यूज़ किए हैं. तो ये भिलाई स्टील प्लांट को रिप्रेजेंट करता है. और यहाँ पे जब बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था तो चॉकलेट के आइटम्स मिलते थे. फिर हमने धीरे धीरे मेन्यू को बढ़ाया और यहाँ भी चाइनीज़ सैंडविचेस, बर्गर, पिज़्ज़ा, शेक, मोहितोस और रैप्स वगैरह, डोसा वगैरह अवेलेबल है. सो स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चीज़ इंस्पायर की है कि आप ये कैफ़े स्टार्ट करें? ये एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैफ़े है हमारे भिलाई का. तो ये हमारे जो दीपेश भैया है यहाँ के चॉकलेट स्टोरी के ब्रांड ओनर, उन्होंने स्टार्ट किया था भिलाई में कुछ नया और इनोवेटिव करने के लिए 2012 या 13 में. तो उसके बाद से वो धीरे धीरे इसमें और चीज़ें करते जा रहे हैं. तो वही है उनका एम कि भिलाई को कुछ नया दे और अच्छा दे. ओके, सो यहाँ पर स्पेशल आपका कुछ सिग्नेचर डिश ये या फिर चॉकलेट में कुछ स्पेशल जो डिश है वो क्या है? यहाँ चॉकलेट सैंडविच लोग बहुत पसंद करते हैं, सिजलिंग ब्राउनी, चॉकलेट ब्राउनी और फ्यूज़न डोसा भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं वो. पर अभी लॉकडाउन के बाद से बंद है वो. इन फ्यूचर वो रीस्टार्ट होगा पर वो अभी बंद है. और अभी स्पाइडर पनीर ये एक डिश है चाइनीज़ की, ये अभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि आप ट्राई करिए. श्योर, तो हम लोग डिश ट्राई करते हैं उसके बाद फिर आपको उसका रिव्यू देते हैं. थैंक यू. So hey guys, we have done eating those delicious dishes. All four dishes are so tasty, so delicious. I just love the ambience. जो भी इनका concept है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है. Must visit place है. अगर आप भिलाई visit कर रहे हैं तो the Chocolate Story Cafe ज़रूर आइएगा.
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और इनको फॉलो कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।